नमस्कार, मैं पंकज पंत अशुतोष भारत अभियान से, और आज एक फिर मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आप कहेंगे कि पंकज पंत मुद्दे पे मुद्दे लेकर आता है, पर मुद्दा हमेशा मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए और आप लोगों के परिवार के लेकर आता हूं। जी, इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर हूं और ट्रेन का नाम है पूर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो कि बरेली आंवला से नई दिल्ली तक जाती है। और खासकर इस वक्त बाथरूम के अंदर हूँ, और बाथरूम में अंदर होने का कोई खास कारण नहीं है, गंदगी वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ मानसिक गंदगी है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कोई हराम के पिल्ले ऐसे होते हैं जो कि बाथरूम के पोस्टर में ये अंट संट लिख के जाते हैं, महिलाओं के बारे में लिख के जाते हैं, अपने गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि जिसने भी ये व्यक्ति ने लिखा है, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस बाथरूम के कोच में हमारी महिलाएँ नहीं जाती हैं नेताजी? बिल्कुल, क्या हमारी महिलाएँ जाती नहीं जाती होंगी यहाँ पर? ये बाथरूम के अंदर इस तरह गलत लिख के आते हैं, और सबसे बड़ी हमारे रेलवे मंत्रालय की है। अरे भाई, 5 रुपए का पोस्टर होगा, 2 रुपए का होगा, आप कटवा दीजिए उस चीज को, है? अरे कोई महिलाएं पढ़े तो उससे अच्छा क्या, फाड़ दो इस चीज को ना। पर नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, सरकार की आंखों में दिखेगा नहीं। और मैं कहना चाहूंगा सभी को कि ये रेलवे हमारी है, रेल हमारी निजी संपत्ति है, कृपया करके कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे, खासकर बाथरूम में गलत चीज़ें ना लिखे, क्योंकि इन बाथरूम के अंदर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन सभी आती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं पंत जी, आपकी इस सराहनीय कार्य के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ आकर के इस चीज़ का जायजा लिया। और मैं ये भारत सरकार से भी अनुरोध करूँगा और रेलवे विभाग से भी अनुरोध करूँगा कि इस पर जो है संज्ञान लेकर के इस तरीके की जो गंदी हरकतें की गई हैं, जबकि इसमें हमने सब कुछ, रेलवे ने तो अच्छा कर किया है, लेकिन ये कुछ नीच मानसिकता के लोग हैं, लगता नहीं मुझे कि शायद उनके घर में माँ बहनें हैं, या उनका सालों का ज़मीर इतना मर गया है कि वो इस तरीके की हरकतें ये जो रेलवे के बाथरूम में करते हैं, ये निंदनीय है। अगर ये, और जबकि इसमें पुलिस पिकेट भी रहती है, और इस चीज़ों को अगर संज्ञान में ले तो मैं समझता हूँ कि इसको दूर करने में भी कोई गुरेज नहीं होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैसे तो सरकार ने बहुत सी जगह, ऐसी जगह कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन ये इतना गोपनीय मैटर है कि ये कैमरे नहीं लगाए जा सकते, लेकिन यहाँ पर कैमरा जो है बाहर लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जब भी आदमी जाएगा, अंदर बाहर होगा, तो ये शक्ल जरूर आ जाएगी, इस समय कौन गया, उस समय कौन गया। ड्यूटी वाला अगर चाहे तो फौरन उस बंदे को पकड़ सकता है। बहुत सी तरकीबें हैं, मुझे इसमें ज़्यादा व्याख्यान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर रेल विभाग और रेल का जो सिक्योरिटी विभाग और प्लस मेरे भारत सरकार इस पर ध्यान दे, ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है इसके लिए संदेश बहुत गलत जाता है। देश को बिल्ड करने के लिए हमारे मानसिकता मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा नौजवान सेना में जा सकता है या कोई अच्छे कार्य में जा सकता है। अगर ऐसी मानसिकता होगी तो वो क्या करेगा, देश इज्जत देगा, उनके साथ बलात्कार करेगा। तो ये छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है, ये संज्ञान लेने के लायक है। अब आप लोग ये बताएं कि मैं कहां कहां से अश्लीलता दूर करूंगा, डिजिटल से दूर करूं या बाथरूम से दूर करूं? ये काम भारतीय रेल कर सकती है, ये 5 रुपए का इसको फाड़ सकती है, पर भारतीय रेल यहाँ पर निगरानी मारती नहीं है। और ये लैंग्वेज आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस चीज़ को हमारी माँ बहन बेटी सब देखते हैं, और बाथरूम बहुत गोपनीय जगह है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो मानसिक, जिन जो मानसिकता के शिकार हैं, कि भैया सुधर जाओ, जिस दिन मुझे मिले ऐसा काम करते हुए हाथ तोड़ के पैर में दूंगा, और पैर तोड़ के हाथ में दूंगा। तो इसका मैं चलता हूँ, लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।